हे गाइस, मेरा नाम मनोज कुमार है। आज हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम तीन टर्म याद करते हैं। सो का टू सोकट हुआ, तीन टर्म आपको याद रहना है। एस मीन साइन, साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट साइड अपॉन ए फॉर एडजेसेंट। सी मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू, ए मतलब एडजेसेंट अपॉन एच मतलब हाइपोटेनियस, टी मतलब टेन थीटा इक्वल्स टू, ओ मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ए फॉर एडजेसेंट। ये तीन फॉर्म अब तीन टर्म याद रखना है। सो का टोआ, एस मतलब साइन, ओ मतलब अपोजिट, ए मतलब एडजेसेंट, सेम इधर, सी मतलब कॉस, ए मतलब एडजेसेंट, एच मतलब हाइपोटेनियस, सेम इधर, टी मतलब टेन, ओ मतलब अपोजिट और ए मतलब एडजेसेंट। तीन फॉर्म आपको याद हो गए। अब तीन इसका अपोजिट करना आपको, जैसे साइन का, जैसे साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला इधर बन जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। जस्ट साइन का उल्टा करना है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, सेम इधर, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, ओके, सेक थीटा का अपोजिट करना है, हाइपोटेनियस ऊपर जाएगा एडजेसेंट नीचे आएगा, तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, सेम इधर, टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा को उल्टा करना, एडजेसेंट ऊपर जाएगा अपोजिट नीचे आएगा, तो इसका होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो ये तीन फॉर्मूले, तीन आपको याद रखना है, तीन उसका उल्टा करना है। तो तीन याद करने का तीन टर्म याद रखिए, सो का टोआ, तो तीन टर्म ये हो गया। इसके अलावा इसको फर्स्ट टाइप आप बोल सकते हो, फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप में आपको मैं बताता हूँ, सेकेंड टाइप में फॉर्मूला क्या होता है बनेगा। सेकेंड टाइप में दो फॉर्मूले उसको याद कर लीजिए, जैसे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक इसका कॉट का उसका उल्टा कर देना है, कॉस का होता है कॉस ऊपर जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो दो फॉर्म, एक याद रखिए दूसरा याद होगा। अब इसका मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, शॉर्टकट कैसे करना है। सी कॉट का स्टार्टिंग लेटर सी हो रहा है, तो यहाँ से सी स्टार्ट होना चाहिए, तो कॉस अपॉन साइन, कॉट याद रखिए टेन उसका उल्टा कर दीजिए, तो आप दोनों में से एक ही फॉर्मूला है, तो कॉट याद रखिए तो टेन याद रखिए, कॉट याद रखेंगे तो ईजी पड़ेगा, क्योंकि सी का कॉट का स्टार्टिंग लेटर सी है और वहाँ पर भी सी हो रहा है, तो याद रखिए सी, ये सी, सी हियर एंड सी। हाँ, थर्ड टाइप का फॉर्मूला पढ़ते हैं। थर्ड टाइप का फॉर्मूला आइडेंटिटीज फॉर्मूला बोल सकते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मूला। ये बहुत लोग को नहीं याद होता, इसके लिए मैं एक शॉर्टकट बनाया हूँ, तो आप इससे भी आप याद कर सकते हो। जैसे पहला देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता है, ये आप ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता है। तो इसको दो फॉर्मूले से बना सकते हैं। कैसे देखिए, साइन को इधर रखिए, कॉस को उस साइड भेज दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, कॉस को उस साइड भेजेंगे तो प्लस है, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला होगा। अब इसके भी दो पर इसके देखिए बी कैसे बनेगा। कॉस को इधर रखिए, साइन को उस साइड भेज दिए, तो कॉस को मैं इधर रख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, इस साइन है ना, साइन को इक्वल के उस साइड जाएगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका पहला है। सेकंड फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको यही याद रखना, इससे आप नाइन फार्मूले बना सकते हो। तो पहले देखिए, सेकंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता है। ये आपको ये अब इसी इक्वेशन में आपको एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको फॉर्मूले आगे के मिल जाएंगे। तो पहले मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा कॉस इसका भी साइन स्क्वायर थीटा से मैं डिवाइड कर रहा हूँ और इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो वन बचेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे मैंने बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया, ये आपको यहाँ से मिला, ये वाला टर्म यहाँ से मिला, कॉट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बस स्क्वायर था, स्क्वायर डाल देने का, इक्वल्स टू वन अपॉन साइन स्क्वायर। ये किसका रेसिप्रोकल है मैं आगे बताऊँगा। ये साइन वन अपॉन साइन किसका रेसिप्रोकल, कॉसेक का रेसिप्रोकल, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल है। कॉस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका रेसिप्रोकल हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, थर्ड जो आपका था वही सेम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता है। यही आपको याद रखना है फॉर्मूले, ये आपको सेकंड डाल सकते हो। सॉरी ये एक मिनट हो जाएगा, इससे भी ए सेकंड डाल दीजिए आप, इससे भी आप दो फार्मूले बना सकते हो। देखो कैसा, जैसा मिला आपको, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपको टू से मिला। तो इससे भी तीन दो फार्मूले बना सकते हो। देखिए आप, ये कहा, वन को इधर रखिए, कॉट को साइड भेज दीजिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इक्वल के उस साइड जाएगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका बी पार्ट भी बन जाएगा, कॉट को इधर रखिए, वन को उस साइड भेज दिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस वन है तो इक्वल के उस साइड जाएगा, तो माइनस वन। तो ये दो फार्मूला आपका बन गया। तीसरा फार्मूला देखिए, तीसरा फार्मूला सेम वही आपको इक्वेशन याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, आपको यही याद रखना है। एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना, उससे आप नाइन फार्मूले बना सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, जैसे हमने ना इससे इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, और हम लोग कॉस यही इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो वन बच जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपको यहाँ से मिलेगा। ये फॉर्मूला आपको टेन थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, टेन थीटा होता है, तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, और ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर रेसिप्रोकल होता है सेक स्क्वायर थीटा का। तो आपको इक्वेशन ए थ्री बन गया। अब इससे भी आप दो फार्मूले बना सकते हो, ए और बी। ये कैसे बनाने का देखिए, टेन को इसी साइड रखिए, टेन स्क्वायर थीटा, वन को इस साइड भेज दीजिए, तो एक फार्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अभी वन को इधर ही रखिए, वन को इधर रखिए, टेन को इस साइड भेज दीजिए, तो आपको ये सेकेंड फार्मूला बन गया। तो ये आपका इतना फार्मूला बन गया। अभी हम लोग एक फार्मूला और पढ़ने वाला है, टाइप थर्ड हो गया, टाइप फोर या टाइप फोर में हम लोग पढ़ने वाले हैं
अपोजिट रिलेशन याद रखो या तो देखो ऐसा साइन थीटा का अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा होता है, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा, ये तो सबको याद है। टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का अपोजिट होता है टेन थीटा, ये आप तीन याद रखिए। और टाइप फोर या टाइप फाइव में हम करेंगे रेसिप्रोकल, टाइप फाइव में हम लोग करेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन बोल सकते हैं आप, रेसिप्रोकल रिलेशन। जैसे साइन थीटा का अपोजिट क्या था, साइन थीटा का अपोजिट क्या था कोसेक थीटा, तो 1/ कोसेक थीटा बन जाएगा, एक फॉर्मूला आप भी बना सकते हो। फिर साइन कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/ सेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा, तो 1/ कॉट थीटा हो गया। सेम जैसे आपने इसका बनाया जैसे इसका भी बन सकता है, कॉसेक का अपोजिट कॉसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है 1/ साइन थीटा, सेम इधर कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, अब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1/ सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1/ कॉस थीटा। सेम इधर भी कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1/ टेन थीटा। तो आपको अपोजिट आप याद रखिए, रेसिप्रोकल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लास्ट टाइप आपको बता देता हूँ जिसको बोलते हैं टाइप सिक्स कुछ नहीं है। टाइप सिक्स में आपको यही जो टाइप फाइव इसको मॉडिफाई करके बनाया गया है। जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू 1/ कोसेक थीटा, तो कोसेक इधर जाएगा तो एक फॉर्मूला मॉडिफाई करके बन जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यही मैंने मॉडिफाई किया, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/ कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा अपॉन में तो इस साइड जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया, तो ये भी फॉर्मूला बन गया। सेम इसका भी बना सकते हो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया, ये उस साइड जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। सेम इसका भी बना सकते, टेन थीटा इंटू कॉट को लिखा जाएगा, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, सेम इधर। अब इसका कॉसेक थीटा का भी बना सकते हो आप, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया, साइन थीटा यहाँ पे आएगा तो इंटू में हो जाएगा। सेम इधर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया, ये मैंने मॉडिफाई कर दिया, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये फॉर्मूले टाइप फाइव आपको याद रहेंगे, तो टाइप सिक्स आपको इजीली याद कर सकते हो। थैंक यू सो मच।